Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend, up till now we have discussed the different concepts which is explained by Marshall in a very simple way that is, what is total output or stock or supply to explain a proper relationship between supply and its price. We have seen total output means total commodity produced by a producer during a year. And when we are talking about the stock means total amount of commodity which is produced and possessed by a seller. Ya, total quantity of goods and services available with the producer for sale. This stock hota. Hai. Ya, humne dekha supply. supply means the total amount of commodity which a sailor or producer is able and willing to offer for sale at a different price level during a given period of time. हमने देखा कि प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ से शुरुआत हुई सप्लाई एनालिसिस की ना मार्शल ने एफ़र्ट्स किया कि जिस तरह से हमने डिमांड एनालिसिस को समझा उसी तरह से हम सप्लाई एनालिसिस को भी डिस्कस करें डेवलप करें और यहाँ पे हम समझेंगे प्रोड्यूसर का बिहेवियर हाउ ही इज़ रेस्पॉन्डिंग टू द प्राइस या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी सप्लाई को आइधर इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज करते हैं बट बिफोर डिस्कसिंग दिस सप्लाई एनालिसिस इन अ वेरी डिटेल वे फर्स्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं वॉट इज़ इंडिविजुअल सप्लाई इन अ वेरी इजी वे एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ इंडिविजुअल सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर अब मार्केट में हमें पालम है सो मेनी प्रोड्यूसर्स आर देयर सो मेनी सेलर्स आर देयर दे आर हैविंग अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन विध ईच एंड एवरी वन ना ऑल दे विल ट्राई टू अट्रैक द कंज्यूमर सब कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं बट देयर वॉट इज देयर बिहेवियर एंड टेंडेंसी टुअर्ड्स द प्राइस प्रिवेल इन द मार्केट दैट वी आर गोइंग टू लर्न एंड डिस्कस टूडे नाउ जब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर एक अकेला बिजनेसमैन जब मार्केट में बिजनेस करता है तो उसका मोस्टली फोकस रहता है ऑन प्राइस जब प्राइस बढ़ती जाएगी वेन द प्राइस स्टार्ट राइजिंग ही विल ट्राई टू सप्लाई मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस क्योंकि एवरी सेलर एवरी प्रोड्यूसर इज रेडी टू ऑफर मोर क्वान्टिटी एट हायर प्राइस एंड लेस क्वांटिटी एट लो प्राइस जब प्राइस कम होने लगती है तो प्रोड्यूसर को लगता है ज़्यादा क्यों बेचू ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाऊँगा जब प्राइस बढ़ेगी तो बाद में मैं ज़्यादा क्वान्टिटी को सप्लाई करूंगा टिल देन ही विल ट्राई टू स्टोर इट्स गुड्स एंड सर्विसेस तो इस तरह से एक इंडिविजुअल सेलर कैसे प्राइस को रिस्पॉन्ड करता है रिएक्ट करता है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे ना जब हम आपके ट्वेल्थ के टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो टेक्स्ट बुक भी उन्होंने डेफिनेशन को भी दिया है और वो डेफिनेशन ये है कि जब हम कहते हैं कि इंडिविजुअल सप्लायर शेड्यूल तो वो क्या है वो एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है हम एक टेबल लेते हैं एक स्केड्यूल लेते हैं और उसकी मदद से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक प्रोड्यूसर इज़ विलिंग टू तो ऑफ़र द डिफरेंट क्वान्टिट्टी एट डिफरेंट प्राइस लेवल तो आपके टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दिया गया है वो इस तरह से है कि इंडिविजुअल सप्लाई मीन जो है इट इज सप्लाई ऑफ ऑफ अ सिंगल सेलर नाउ ये इजी डेफिनेशन है लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टेबलर रिप्रेजेंटेशन टेबलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग द वेरियस क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर इज विलिंग जो वो विलिंग करता है रेडी है टू सेल एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम यानी इंडिविजुअल सप्लाई क्या है एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है एक टेबल की मदद से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे अलग अलग प्राइस लेवल पे प्रोड्यूसर विलिंग है रेडी है टू ऑफर इट्स गुड्स एंड सर्विसेज ना ये एक काफ़ी जो है वो थोड़ा बड़ा डेफिनेशन है लर्न होता है तो वेल एंड गुड नहीं तो मैंने एक इजी डेफिनेशन भी दिया है जो मार्शल ने हमें सिखाया है मार्शल कहता है कि इंडिविजुअल सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ सिंगल सेलर एक अकेले सेलर की सप्लाई एट डिफरेंट प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग प्राइसेस पे एक सेलर कैसे रिस्पोंड करता है कैसे बिहेव करता है वो बिहेवियर आज हम सीखने वाले हैं क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे सेलर होते हैं लेकिन एक इंडिविजुअल सेलर की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं अपने टारगेट्स होते हैं अपने मोटिव्स होते हैं उनको वो माइंड में रख के मार्केट में रेस्पॉन्ड करता है तो इसके लिए हमने कहा इंडिविजुअल सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ईजी डेफिनेशन है बहुत सिंपल है इजिली लिख पाओगे ओके okay, फ्रेंड्स अच्छा सेकंड डेफिनेशन जो आपके टेक्स्ट बुक का है उसमें क्या लिखा है वो भी इजी है दो से लेकिन काफ़ी इजी है वो क्या कहता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल शेड्यूल यानी टेबल इट इज़ अ टेबलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग हमें दिखाता है वेरियस क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो वो टेबल की मदद से एक प्रेजेंटेशन है लेकिन फ्रेंड्स आपको कोई भी एक डेफिनेशन लिखना है अब जब हम जी ये पूरा शॉर्ट नोट आता है जब बोर्ड में पूछा जाता है तो इट विल बी आस्ट फॉर फोर मार्क्स अब जब ये हम लोग पूरा टॉपिक कवर करते हैं तो पहले लिखते हैं ए पार्ट इंट्रोडक्शन अब इंट्रोडक्शन काफी ईजी है आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं हम डायरेक्टली क्योंकि टू थ्री लाइंस में हमें इंट्रो करना है उस टॉपिक का तो हम क्या लिखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज वेल डेवलप्ड बाय न्यो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अल्फर्ड मार्शल इन इनबर्ग प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890 नाइनटी हेयर ही ट्राई टू डेवलप एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइज एंड सप्लाई ही ट्राई टू एक्सप्लेन प्रोड्यूसर बिहेवियर इन द मार्केट उससे मार्केट में प्रोड्यूसर कैसे रिस्पॉन्ड करता है बिहेव करता है वो हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है हो गया इंट्रोडक्शन रेडी अच्छा उसके बाद बी पार्ट आता है मीनिंग अब मीनिंग भी हमने बहुत सिंपल कह दिया कि जो इंडिविजुअल सप्लाई है इट इज़ द सप्लाई ऑफ सिंगल इंडिविजुअल सेलर एट डिफरेंट प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम डन यानी बी पार्ट भी हो गया अब आते हैं सी पार्ट दैट इज यू कैन से टेबल क्योंकि वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि ऐसे जब टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं तो कोई ना कोई एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की मदद से हम एक्सप्लेन करते हैं तो लेट्स सी वन टेबल हम एक शेड्यूल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम दिखा रहे हैं एक टेबल में वह सपोज एक इंडिविजुअल सेलर है एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है वो जो है एप्पल जो है वो सेल कर रहा है नाउ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एप्पल्स नाउ सपोज पर यूनिट एप्पल इज अवेलेबल एट रुपीज़ टेन तो वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेगा अच्छा सपोज प्राइस विल गो ऑन इंक्रीजिंग डिमांड बढ़ती जा रही है तो प्राइस भी मार्केट में बढ़ रही है ना जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो कैसे एक इंडिविजुअल सेलर रिस्पॉन्ड करता है दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे नाउ सपोज मैंने एक टेबल दिया है स्केड्यूल लिया है उस पर मैंने दो कॉलम बनाए हैं मैंने लिखा है प्राइस पर एप्पल और यहाँ लिखा है क्वांटिटी सप्लाइड इन के जीज सपोज हम कहते हैं कि पर यूनिट एप्पल का कॉस्ट है टेन रुपीज़ ओके पर यूनिट कितना कॉस्ट है टेन रुपीज़ नाउ एट दैट लेवल जो एक इंडिविजुअल सेलर है उसने क्या किया हंड्रेड के को सप्लाई किया उसने सौ किलो मार्केट में सप्लाई किया व्हेन द प्राइज इज टेन रुपीज़ पर यूनिट तो उसने हंड्रेड के को सप्लाई किया नाउ मार्केट में प्राइस बढ़ी जैसे ही प्राइस जो है वो बन गई ट्वेंटी रुपीज़ इट इज़ मार्केट में प्राइज इज़ ट्वेंटी प्राइस बढ़ी तो प्राइस बढ़ने से प्रोड्यूसर कैसे रिएक्ट करेगा ही विल ट्राई टू सप्लाई मोर उसने भी क्या किया हंड्रेड की जगह नाउ टू हंड्रेड के गुड्स को सप्लाई किया यानी 200 किलो मार्केट में एप्पल्स को सप्लाई किया देखो प्राइस बढ़ी सप्लाई भी बढ़ी नाउ अगेन प्राइस इंक्रीज टू तो रुपीज थर्टी उसने भी क्या किया 300 हंड्रेड को मार्केट में सप्लाई किया नव अगेन प्राइस इंक्रीज टू रुपीज़ फोटी तो उसने भी क्या किया 400 हंड्रेड के जीज को सप्लाई किया अगेन प्राइस इंक्रीज टू मैक्सिमम रुपीज़ फिफ्टी तो उसने क्या किया 500 हंड्रेड के जीज एप्पल्स को मार्केट में सप्लाई किया देखो कितना सिंपल शेड्यूल लिया हमने सिंपली ये कोई भी टेबल लेना है टेबल लेके कोई भी एग्जाम्पल आपको लेना है और जो भी आपने टेबल में दिखाया बस उसको एक्सप्लेन करो नथिंग एल्स जैसे हमने यहाँ पे एक टेबल लिया उसको दो पार्ट में डिवाइड किया एक तरफ प्राइस पर एप्पल और दूसरी तरफ क्वांटिटी सप्लाई हमने दिखाया प्राइस जो है एप्पल की वो बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है राइज हो रही है प्रोड्यूसर इज रेडी टू सप्लाई मोर एंड मोर क्वांटिटी देखो कितना अच्छा रिस्पॉन्ड पॉजिटिव वो कर रहा है अच्छा अब ये टेबल हमारा बन गया अब इस टेबल का क्या लिखना है फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन और वो एक्सप्लेनेशन कितनी पॉइंट्स में लिखना है थ्री पॉइंट्स में और वो भी कैसे लिखना है वो भी आई एम हेल्पिंग यू किस तरह से लिखना है नंबर वन पॉइंट क्या होना चाहिए जनरल ऑब्जर्वेशन कि आपको इस टेबल के अंदर इस शेड्यूल के अंदर आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है तो वो फर्स्ट पॉइंट बन जाती है क्या ऑब्जर्व हो रहा है इन द अब स्कैड्यूल वी ऑब्जर्व प्रोड्यूसर इज रेडी टू सप्लाई मोर क्वान्टिटी विथ राइज इन प्राइस क्या दिख रहा है कि इस टेबल में हमें दिख रहा है कि जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है वो ज्यादा क्वान्टिटी सप्लाई कर रहा है विथ राइज इन प्राइस क्योंकि प्राइस बढ़ रही है तो वो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है बराबर दिखा है जैसे ही प्राइस टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी हुई तो उसने सप्लाई भी ज़्यादा किया हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड लाइक दैट ई वॉज इंटरेस्टेड टू सप्लाई मोर एंड मोर क्वान्टिटी क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है तो वो सप्लाई बढ़ाता है क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है तो एवरी बिजनेसमैन इज इंटरेस्टेड टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ देयर मेन गोल ऑफ ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर तो उसने जैसे जैसे प्राइस ज़्यादा हुआ उसने ज़्यादा सप्लाई किया और यही बिहेवियर प्रोड्यूसर का हमें दिखाई देगा जहाँ पे भी आप बिजनेसमैन देखोगे वो हमेशा ज़्यादा सप्लाई करेगा जब प्राइस ज़्यादा होगी क्योंकि उसे प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है यानी हेयर द प्रोड्यूसर इज रेडी टू सप्लाई मोर क्वान्टिटी विथ राइज इन प्राइस ओके फ्रेंड्स ये था फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट हम पकड़ते हैं टेबल के टॉप पॉइंट पे अब टॉप पे क्या दिख रहा है आपको ये प्राइस सबसे कम है मिनिमम व्हेन प्राइज इज वेरी लो जब प्राइस एकदम कम है व्हेन प्राइज इज़ वेरी लो दैट इज रुपीज टेन तो लिमिटेड क्वान्टिटी वॉज ऑफर्ड बाय प्रोड्यूसर तब लिमिटेड क्वान्टिटी को ऑफर किया कितना ऑफर किया सिर्फ हंड्रेड के जी क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी उसने सप्लाई की उसको इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि प्राइस सबसे कम था तो सेकंड पॉइंट हम पकड़ते हैं टेबल के टॉप पॉइंट को कि प्राइस प्राइज वेरी लो दैट इज रुपीज इन प्रोड्यूसर इज रेडी टू ऑफर वेरी लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एप्पल दैट इज हंड्रेड के जीज ओनली हो गया सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट बॉटम पे आ जाओ लोअर लेवल पे यहाँ पर भी मैंने स्टार लगा दिया अब यहाँ क्या दिख रहा है हमको वेन प्राइज इज रुपीज फिफ्टी देखो मैक्सिमम है इज जो है इट इज वेरी हाई इन द मार्केट जब मार्केट में प्राइस ज्यादा हो जाती है इज इज वेरी हाई दैट मैक्सिमम क्वान्टिटी वॉज ऑफर्ड बाय सेलर और प्रोड्यूसर इन द मार्केट दैट इज फाइव हंड्रेड के जी जब प्राइस बहुत ज्यादा हो गई यानी फिफ्टी रुपीज पे पहुँच गई तो प्रोड्यूसर को लगा अभी तो मुझे ज़्यादा सप्लाई करना चाहिए क्योंकि यही तो अपॉर्चुनिटी है वेयर आई विल गेट द मोर एंड मोर प्रॉफिट तो व्हेन प्राइज इज वेरी हाई द सेलर इज रेडी और विलिंग टू सप्लाई मोर क्वांटिटी इन द मार्केट दैट इज फाइव हंड्रेड तो देखो कैसे तीन पॉइंट रेडी हो गए पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखो जनरल ऑब्जर्वेशन इन द अबाउट टेबल वी ऑब्जर्व Every sailor is ready to supply more quantity with rise in price. Point number two. When price is very low in the market, limited quantity was offered by a sailor in the market. That is 100 kgs of apples only. Third point. When price is very high, that is rupees 50, maximum quantity was offered by a sailor, that is 500 kgs of apple. इट इज़ वेरी क्लियर विद द हेल्प ऑफ डाइग्राम अब इसी डेटा को हम रिफ्लेक्ट किस में करेंगे डाइग्राम में अच्छा जब हम डाइग्राम ड्रॉ करेंगे दैट इज़ डी पार्ट डाइग्राम तो पहले हम एल का फॉर्मेट बनाएंगे ओके अच्छा एल के फॉर्मेट में एक्स एक्सिस पे जब हमने डिमांड सप्लाई सीखा था तो एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया था क्वान्टिटी डिमांडेड कि कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है लेकिन ये क्या है सप्लाई एनालिसिस तो सप्लाई एनालिसिस में क्या दिखाएंगे क्वांटिटी सप्लाइड तो एक प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए विलिंग है इंटरेस्टेड है वो हम कहाँ दिखाएंगे एक्स एक्सिस में यानी क्वांटिटी कहाँ रहेगा एक्स एक्सिस में जब डिमांड एनालिसिस होगा तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और जब सप्लाई एनालिसिस रहेगा तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड और वाई एक्सिस पे हमेशा हमारा मेन फैक्टर दैट इज़ प्राइस क्योंकि प्राइस की वजह से ही आपने देखा जब डिमांड एनालिसिस था तो कस्टमर ज़्यादा डिमांड कर रहा था जब प्राइस कम हो रही थी और वो कम डिमांड कर रहा था जब प्राइस ज़्यादा हो रही थी यानी डिमांड प्राइस से अफेक्टेड थी ऑन द सिमिलर ग्राउंड एक बिजनेस भी प्राइस से अफेक्टेड है जब प्राइस ज़्यादा तो वो सप्लाई ज़्यादा कर रहा है प्राइस कम तो वो सप्लाई कम कर रहा है यानी बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर और सेलर ही इज़ आल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस वो भी प्राइस से अफेक्टेड हो रहा है तो Y एक्सेस पे कौन बैठा है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज़ प्राइस तो Y एक्सेस पे प्राइस दिखाया X एक्सेस पे क्वांटिटी सप्लाइड क्लियर फ्रेंड्स नाउ अब हम दिखाएंगे Y एक्सिस पे क्या दिखाना है प्राइस और प्राइस हमने क्या दिखाया है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी हम नॉर्मल फिगर्स लेते हैं ताकि हमें प्लॉट करना आसान हो जाए तो सपोज हमने यहाँ पे फाइव पॉइंट्स लिया टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी और ये फिफ्टी हमने प्राइस दिखा दिया जो हमने रुपीस में दिखाया और क्वांटिटी सप्लाइड जो है दैट इज़ एप्पल्स हमने दिखाया और वो एप्पल्स हम किस में दिखा रहे हैं इन के ओके अच्छा वो क्वांटिटी कितनी है हंड्रेड टू हंड्रेड ये भी हमने राउंड फिगर ही ली है ताकि प्लॉट करना हमारे लिए आसान हो जाए तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं सपोज हंड्रेड के जी टू हंड्रेड के जी थ्री हंड्रेड के जी फोर हंड्रेड के जी और फाइव हंड्रेड के जी ओके इस तरह से हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई का दिखा दिया ओके फ्रेंड्स अब वन बाय वन पॉइंट को प्लॉट करेंगे अब जैसे हमने देखा टेन रुपीज था कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूसर ने सप्लाई की सिर्फ हंड्रेड के जी तो जब टेन रुपीज़ था तो इस टेन रुपीज़ आपकी क्वांटिटी कितनी डिमांडेड हुई सिर्फ हंड्रेड तो ये फर्स्ट डॉट हमें मिल गया पहला पहला डॉट टेन रुपीस पे हंड्रेड के जीज हमें मिला जब प्राइस बढ़ी तो प्रोड्यूसर मोटिवेट हो गया उसने ज़्यादा सप्लाई किया अब प्राइस जब ट्वेंटी रुपीज़ थी आप यहाँ पे रखोगे और यहाँ टू हंड्रेड पर आप स्केल रखना जैसे स्केल रखोगे तो यू विल बी फाइंड सेकंड डॉट आपको सेकंड पोजीशन मिलेगी अच्छा फिर जैसे ही प्राइस बढ़ी थर्टी तो थर्टी के सामने यहाँ आप 300 पे स्केल रखोगे तो यू विल गेट द थर्ड पॉइंट आपको यहाँ थर्ड पॉइंट मिलेगा जैसे ही प्राइस 40 होगी आप फोर्टी के लाइन में क्योंकि आपका तो रजिस्टर पे प्लॉटिंग होगा तो वहाँ तो आपके पास लाइंस होगी सिर्फ आप स्केल रखना 400 पे 400 पे स्केल रखा तो ये आपकी फोर्थ पॉइंट यहाँ मिल जाए ओके फोर्थ डॉट मिल गया लास्ट पॉइंट फिफ्टी जब फिफ्टी है तो और यहाँ पे आपकी कितनी क्वान्टिटी है फाइव हंड्रेड जो है वो हमें मिली देखो इस तरह से हमें फाइव पॉइंट्स मिल गए हमने एक एक पॉइंट करके आपको सिर्फ़ यहाँ स्केल रखना जैसे स्केल रखोगे ना यू विल सी दैट आपको उस प्राइस के सामने डॉट मिलेगा और उसके बाद इन पांचों पॉइंट्स को हमें क्या करना है ज्वाइन करना है ये सब पॉइंट्स आप ज्वाइन करो ज्वाइन कर दिया मैंने आप स्केल से ज्वाइन करोगे ना और आपका यूनिट जो है वो इक्वल लिया हुआ है एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी अच्छा अब इसको नाम क्या देना है एस एस क्यों क्योंकि वो सप्लाई कॉ अब याद करना जब हमने डिमांड का कोई भी निकाला था तो हमने क्या नाम दिया था डी डी क्योंकि डिमांड का था अब है सप्लाई का तो हम क्या नाम देंगे एस एस क्योंकि सप्लाई कव है अच्छा लेकिन ये कौन सा सप्लाई कव है ये है इंडिविजुअल सप्लाई का कौन सा है इंडिविजुअल सप्लाई का अच्छा दूसरी बात ये हमने नाम तो दे दिया कि एस एस और इंडिविजुअल सप्लाई का नाउ ये डायग्राम अपवर्ड डायरेक्शन में गया यहाँ से स्टार्ट हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में गया तो जब भी कोई डायग्राम ऊपर की डायरेक्शन में जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं पॉजिटिव स्लोप क्योंकि जब भी डायग्राम नीचे आता है डाउनवर्ड आता है जैसे हमने डिमांड कॉ में ऑब्जर्व किया डिमांड कॉ व स्लोपिंग डाउनवर्ड वो नीचे आ रहा था रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज प्राइस एंड डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप करेक्ट फ्रेंड्स लेकिन यहाँ पे प्राइस और सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है डायरेक्ट रिलेशनशिप जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई उसने सप्लाई भी बढ़ा दी और इसकी वजह से आपका जो डायग्राम था वो किधर चला गया स्लोपिंग अपवर्ड यानी आपका स्लोप कौन सा मिला पॉजिटिव क्योंकि वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है अपवर्ड ट्रेंड है अपवर्ड जा रहा है स्लोपिंग अपवर्ड है तो उसकी वजह से उसका स्लोप क्या है पॉजिटिव अच्छा ये डायग्राम आपका ड्रॉ हो गया तो बस उसके बाद तीन पॉइंट में एक्सप्लेनेशन फिर तो आपका शॉर्ट नोट ही ओवर हो गया तो देखो कैसे हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे अब उसका एक्सप्लेनेशन में हम बताएंगे फर्स्ट पॉइंट देखो एक्सप्लेनेशन में सिर्फ थ्री पॉइंट्स पॉइंट नंबर वन ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाइड एंड ऑन वाई एक्सिस प्राइस ऑफ कमोडिटीज शो फर्स्ट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाइड एंड ऑन वाई एक्सिस प्राइस ऑफ कमोडिटी आर शोन बराबर सेकेंड पॉइंट एस एस कौन है एस एस इंडिविजुअल सप्लाई कब है पहले ये इसको नाम दो लेबल दो क्योंकि बहुत बार बच्चे ऐसे करते हैं डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया और वो एकदम सही होता है करेक्ट होता है लेकिन उसको नाम नहीं देते लेबलिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि लेबलिंग नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा डायग्राम ड्रॉ किया है तो उसको नाम ज़रूर दो कि वो डिमांड कब है सप्लाई कब है अच्छा डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव स्लोप है अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव स्लोप है आप अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करो क्योंकि क्या होता है आपका एक्सप्लेनेशन का मेन मिरर क्या होता है डायग्राम याद रखो क्योंकि आपका डायग्राम राइट आपकी एक्सप्लेनेशन राइट अगर डायग्राम ही गड़बड़ हो जाएगा आपने उसको लेबलिंग भी नहीं किया कि वो कौन है मतलब आपको भी पता नहीं हम ऐसा अज्यूम करते हैं क्योंकि डायग्राम इज़ द मिरर ऑफ द स्टूडेंट क्योंकि हम आपको कहाँ से जज करते हैं हम आपकी प्रेजेंटेशन से आपको जज करते हैं तो इसके लिए आपकी प्रेजेंटेशन परफेक्ट होनी चाहिए यानी जब आप डायग्राम ड्रॉ करो तो उसको नाम दो एस एस है अच्छा ये कौन है उसको एरो दे के आप लिखो कि ये इंडिविजुअल सप्लाई कौ है और क्योंकि वो ऊपर की डायरेक्शन में गया तो उसका स्लोप क्या है पॉजिटिव स्लोप तो बस उसके तीन पॉइंट्स हम लिख लेते हैं एक्स एक्सेस पे क्या है क्वांटिटी सप्लाई वाई एक्सेस पे क्या है प्राइस ऑफ कमोडिटी देखा लिखा सेकेंड पॉइंट एस एस इज इंडिविजुअल सप्लाई का ऑफ स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एस एस इज इंडिविजुअल सप्लाय का स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अच्छा थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों अपवर्ड गया एस प्राइज एंड सप्लाई हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप एज प्राइस एंड सप्लाई हैजप्लाई हैज पॉजिटिव स्लॉ आपका शॉर्ट नोट ही ओवर हो गया देखो कितने डायग्राम वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं आपके टाइम सेविंग होते हैं पहले क्या लिखना था इंट्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाईज डेवलप्ड बाय अल्फर्ड मार्शल इन इज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकनॉमिक्स इन द ईयर एटीन नाइनटी he tried to explain the producer behavior in the market. He explained there is a direct relationship between price and supply. फिर उसके बाद क्या लिखना है meaning या yeah, definition और definition भी easy जो आपको easily learn हो वो आप लिखो अपने अंदाज़ में लिखो कि इंडिविजुअल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल सेलर एट डिफरेंट प्राइस लेवल देखो अलग अलग प्राइस लेवल पे लिखा है ना जैसे जैसे प्राइस आपकी बढ़ रही है तो कैसे वो सेलर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आपका डेफिनेशन भी यही कहता है कि इंडिविजुअल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ सिंगल इंडिविजुअल सेलर एट डिफरेंट प्राइज लेवल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी पीरियड हम लेते हैं कि वो पर वीक है पर मंथ है लाइक like दैट हम उसमें उस पर्टिकुलर पीरियड में हम उस सेलर का रेस्पॉन्ड जज कर रहे हैं बस उसके बाद एक टेबल लिखा टेबल के बाद आपने तीन पॉइंट में एक्सप्लेनेशन मैंने आपको हिंट भी दिया कि फर्स्ट पॉइंट में लिखो जनरल ऑब्जर्वेशन कि इन द अबाउट स्केड्यूल वी ऑब्जर्व कि प्रोड्यूसर जो है इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ही इज रेडी टू ऑफर मोर क्वांटिटी विथ राइज इन पॉइंट नंबर टू व्हेन द प्राइस इज वेरी लो दैट इज रुपीज टेन मिनिमम क्वान्टिटी वॉज ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट पॉइंट नंबर थ्री वैन द प्राइज इज वेरी हाई दैट इज फिफ्टी रुपीज सेलर इज रेडी टू ऑफर मैक्सिमम क्वान्टिटी इन द मार्केट दैट इज फाइव हंड्रेड के जीज ऑफ एप्पल वो लिखेंगे इट इज़ क्लियर विद द हेल्प ऑफ डाइग्राम इस तरह से हमने एल शेप ले लिया एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया फ्रेंड्स क्वांटिटी सप्लाई वाई एक्सिस पे क्या दिखाया प्राइस उसके बाद वन बाय वन पॉइंट को प्लॉट किया और ज्वाइन किया तो क्या मिला इंडिविजुअल सप्लाई कम और अल्फ़ाबेट कौन से यूज़ किए एस एस क्योंकि सप्लाई कव है और फिर इसका एक्सप्लेनेशन थ्री पॉइंट्स में एक्स एक्सिस पे क्या है क्वांटिटी सप्लाई वाई एक्सिस पे क्या है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एस एस इज सेकेंड पॉइंट एस एस इज इंडिविजुअल सप्लाई कॉ स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट राइट थर्ड एस प्राइज एंड सप्लाई हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप सो इट हैज़ पॉजिटिव स्लो यस फ्रेंड जिस तरह से ये डेफिनेशन ये पूरा शॉर्ट नोट मैंने आपके साथ डिस्कस किया इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड इन अ वेरी इजी लैंग्वेज इन माई नोट्स ऑन माई वेबसाइट Yes, friends, if you like this video, do share. And if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.